महाराष्ट्र के नासिक के आमडोगर गांव में चिलचिलाती धूप और बरसती आसमानी आफत से जहां लोग परेशान हैं, वहीं पानी की किल्लत एक बड़ी मुसीबत लोगों के लिए बनी हुई है। ऐसे में महाराष्ट्र के नासिक में लोग पानी की भारी कमी से जूझ रहे हैं। इस गांव में पानी की कमी से लोग इतने परेशान हैं कि पानी की कमी को पूरा करने के लिए महिलाएं कुएं में उतर कर पानी निकाल रही हैं। गांव के निवासियों का कहना है कि गांव में पानी की कमी उनके लिए एक बहुत बड़ी परेशानी है। इतना ही नहीं, आलम यह है कि पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है। हमारे यहाँ पानी की बहुत कमतरता है, हर साल यही होता है। तो हमारी मांग ये है कि हमारे यहाँ कभी ना कभी पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। हर रोज दो औरतें इहरी कुएं में उतरती है तो दो औरतें पानी भरकर ड्रम में देती है और हम भांडे में भर लेते हैं। महिलाएं उप सरपंच को पैसा देती हैं और फिर उप सरपंच सबको पानी मुहैया कराती है। जहाँ जहाँ पर पीने के पानी का प्रॉब्लम होगा तो वहाँ पे जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर में नल के द्वारा जल पहुँचाने का मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के मार्गदर्शन में पूरे भारतवर्ष में संपन्न हो रहा है। महाराष्ट्र में भी बहुत सारे देहात में और शहरों में भी ये काम चल रहा है। मैं समझता हूँ आपके निदर्शन में अगर ऐसा कोई गाँव होगा, अगर आप निदर्शन में लाके देंगे तो वहाँ पर भी पीने के पानी का प्रबंध किया जाएगा।